नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जी मीडिया की खबर का असर हुआ हिंदू लड़की के साथ। मुस्लिम लड़की से बदसलूकी पर केस दर्ज हुआ है। वीडियो बनाने के आरोपी शमशेर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप है। आरोपी लड़की की तलाश में जुटी है पुलिस। कल जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इसका असर भी हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, मुरादाबाद से ये बड़ी खबर है। आरोपी लड़की की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। मुरादाबाद का मामला जहां पर हिंदू लड़की के साथ एक इस तरह का वीडियो कल थाना कोतवाली क्षेत्र का सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, जिसमें एक लड़की अपने किसी लड़के के साथ में बाइक से कहीं जा रही थी। कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पीछे से वीडियो बनाई गई थी और आगे जाके उसको रोका गया था और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। इस संबंध में एक लिखित शिकायत हमको बाद में प्राप्त हुई है और उस पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें कार्यवाही की जा रही है। इस वक्त आकाश मुरादाबाद से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, खबर का असर हुआ है, अपडेट अभी क्या है? जी देखिए, बता दें आपको, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है वो मुकदमा लड़की की तरफ से जो है, जो मुस्लिम लड़की है उसकी तरफ से जो तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद में पुलिस ने जो मुकदमा जो दर्ज कराया वो 354 था और सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2008 की धारा 66 के तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्योंकि उसके अलावा जो युवक है जो अवरक्ता कर रहा था, शमशेर अली नाम है उसका, उसकी तलाश में पुलिस लग गई है और उसके खिलाफ की कार्रवाई करने के लिए जुट गई है। वहीं लड़की ने भी एफआईआर के अंदर जो है साफ तौर पे लिखवाया है कि उसके साथ अभद्रता करी गई, जबरदस्ती वीडियो बनाई गई और जब वो अपने परिवार से बात करा रही थी तब भी जो है वो बात करने के बाद में भी उनसे अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वीडियो में भी साफ तौर से देखा जा रहा था कि जब पीछे से वीडियो बना था वो लड़का आ रहा था, उसने उनको रोका, रोकने के बाद में उनसे बात करी, जबकि दोनों जन बताते रहे कि हम घर जा रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो लोग जो थे वो सुनने को तैयार नहीं थे। दबंग जो है वो वहां पर बदतमीजी उनके साथ में कर रहे थे, टूटलांग करके बात करने लग गए थे, अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग गए थे, जिसके बाद में वो लोग वहां से उस समय तो शांत चले गए थे। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गई है तो लड़की ने भी एफआईआर में ये लिखवाया है कि जब वीडियो वायरल हो गई तो मजबूरन मुझे ये कार्रवाई के लिए अपने तहरीर देनी पड़ रही है और ये मेरी छवि धूमिल हो रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने खैरा मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जल्द इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।